नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्लंबर मैन में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब बाथटब का हमारा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा तब हम इसका दूसरा वीडियो आपको दिखलाएंगे। तो चलिए, हमारा बाथटब का जो प्लेटफॉर्म है बनकर तैयार है और इस बाथटब को सेट करने वाले हैं, तो ये चीज़ को किस तरह से सेट किया जाता है वो हम आपको दिखलाने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो ये बाथटब है इसके साथ बोतल ट्रैप नहीं आया था। किसी भी बाथटब के साथ बोतल ट्रैप जो आता है वो ग्लास का होता है या पीवीसी का होता है, लेकिन इस बोतल ट्रैप को न होने के कारण हमने एक सी पीवीसी का बोतल ट्रैप बनाया है और इसके माध्यम से हम ओवरफ्लो और जो वेस्ट वाटर का पॉइंट होता है दोनों कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा ओवरफ्लो का पॉइंट है और ये हमारा वेस्ट वाटर का पॉइंट है, इसे हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसको कनेक्ट करने से पहले ये हमारा जो वेस्ट चाली है जिससे हमारा वेस्ट वाटर बाहर आएगा उसको लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसको लगाने से पहले एक चीज़ का यूज़ करना ज़रूरी है। ये हमारा एमसील सेनेटरी है दोस्तों, एक बार ध्यान से देख ले, ये हमारा एमसील सेनेटरी है जो स्पेशली सेनेटरी के लिए ही आता है और ये वेस्ट जाली को सील करने के लिए ही आता है। इस एमसील सेनेटरी, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे एमसील हैं लेकिन इसको लगाने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब भी हम किसी बेसिन को या फिर किसी भी वाइट चीज़ को सेट करते हैं तो इसका कलर ब्लैक नहीं, इसका वाइट है। इससे आपकी बेसिन या फिर बाथटब या फिर जो भी लगाने वाले हैं उसकी खूबसूरती बिगड़ेगी भी नहीं और अच्छे से सील भी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं कि हमने ये एमसील जो पुट्टी है, एमसील का सेनेटरी जो एमसील सेनेटरी है उसे हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं ताकि हमारा बाथटब कभी लीकेज ना करे, ठीक है। चूँकि कोई बेसिन लीकेज करता है दोस्तों तो उसे बनाना आसान होता है, लेकिन जब बाथटब लीकेज करेगा तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और उसे निकालने में पार्टी को भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो जो भी काम करें शांति से करें और अच्छे ढंग से करें, अपने काम में सफाई से कोई काम करें ताकि दोबारा कंप्लेन आने का गुंजाइश ना हो। तो चलिए अभी हम इस बोतल ट्रैप को सेट करके दिखलाएंगे। जैसा कि इस बोतल ट्रैप को हम कनेक्ट करेंगे और इस बोतल ट्रैप को कनेक्ट करने से पहले इस ब्रश जाली को इधर से इन कर देंगे, और इन करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो एम सील है वो बाहर आ गया है लेकिन फिर भी वाइट कलर में बिल्कुल मैच बैठ रहा है। अब आप देखेंगे कि इधर से का जो वाशर होता है वेस्ट जाली का वो हम इधर से डाल देंगे ताकि इधर से भी लीकेज का चांस ना रहे, और फिर इसका जो चेकनट आता है हम इसे भी अच्छे तरीके से लॉक कर लेंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से हमने अच्छे तरीके से इसे लॉक कर लिया है। अब हमारे पास एक चोंच प्लास है, इस प्लास के माध्यम से इस वेस्ट जाली को हम इधर लॉक कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। आइए इसको पकड़िए एक हाथ से, और इसे पकड़ के इसके दूसरे एंगल से हम रिंच टाइट करेंगे। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हमने इधर वेस्ट जाली को अच्छे से पकड़ लिया है और अब हम इधर से अच्छे से रिंच टाइट करेंगे। उसका मुझे मालूम नहीं लेकिन ये रियलिटी में चेक नट ही है दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों कि अब हम अपने वेस्ट जाली में जो हमारा बाथटब का वेस्ट जाली है हम उसमें टेफ्लॉन लगा रहे हैं। दोस्तों टेफ्लॉन इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा जो सी पी वी सी का 1.5 इंच का एफएबीटी है वो लीकेज ना करे। यदि बिना टेफ्लॉन के हम इससे सेट कर देते हैं तो हमारा एफएबीटी लीकेज करने लगेगा और फिर इसको ठीक करने के लिए हमें वाटर फिर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, जो भी काम करें पूरी सफाई से करें और थोड़ा समय दे के करें। दोस्तों अब हम इस बोतल ट्रैप का दूसरा पार्ट लगा रहे हैं और इसे लगाने के बाद
अच्छे तरीके से इस CPVC टी में कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर इस बाथटब को इसके बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे रख दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी किसी बाथटब का काम आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से बाथटब लग जाता है, बस थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। उस काम को अच्छे तरीके से समझ लें और फिर अपना बाथटब सेट कर लें, ज़्यादा कोई काम नहीं होता है दोस्तों, जो भी है समझने का फिर है। और जो आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और सारा सेटअप बना लेते हैं तो अपना बाथटब अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अब ये दूसरा पार्ट लगाया जा रहा है टेफ्लॉन टेप के माध्यम से। टेफ्लॉन टेप देना ज़रूरी है दोस्तों ताकि हमारा कोई भी पार्ट लीकेज न रह जाए। अब इसमें थोड़ा सा रिंच का यूज किया जा रहा है, यदि हम रिंच टाइट नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी पार्ट अच्छे तरीके से टाइट नहीं हो पाएगा। दोस्तों हमारा जो CPVC का 1 इंच का यूनियन है इसमें थोड़ा सा सरसों तेल लगाया जा रहा है क्योंकि CPVC यूनियन अच्छे तरीके से टाइट नहीं हो पाता है और जब CPVC यूनियन टाइट नहीं हो पाता तो लीकेज होता है। जो हम CPVC का यूनियन यूज करते हैं और उसमें रिंच लगाते हैं तो ये क्रेक होकर फट जाता है, टूट जाता है, तो इसलिए इसे हैंड टाइट ही करें और हो सके तो इसका जो टाइट करने का तरीका है उसे चेंज करें। इसमें लुब्रिकेट भी लगा सकते हैं या फिर सरसों तेल भी लगा सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो CPVC का बोतल ट्रैप है जो हमने बाथटब से कनेक्ट किया है वो अब रेडी होकर तैयार है। अब इस बाथटब को इसके प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाएगा, फिर उसके बाद टाइल्स मिस्त्री अपना काम करके इसे फिनिश कर देगा। दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं कि ये हमारा जो बाथटब का चेयर है वो बनकर तैयार है। हमने 3 साइड से दीवार लगा लिया था और फिर इसके बीच में एक कट छोड़ दिया था। अभी जो हमने आपको इस वीडियो में बोतल ट्रैप जो दिखलाया है वो सीधा दीवार में टच ना कर जाए इसके लिए ये कटिंग हमने छोड़ दिया था। और ये हमारा बोतल ट्रैप का पीट ट्रैप है जो पूरे वाटलेट पानी को निकालेगा और ये हमारा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, देखने में बिल्कुल सोफे टाइप का लग रहा है। दोस्तों इस पर हम अपना वाटर रख देंगे। दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करें और फिर हम इस वाटर को सेट करके दिखलाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा वाटर लग के तैयार है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो चेयर बनाया हुआ था ये वाटर के लिए ही बनाया हुआ था और हमने इस चेयर पे इस वाटर को एडजस्ट कर दिया है। हमने इस चेयर में 3 साइड से दीवार लगाया था और 3 साइड से ही टाइल्स लगाया गया है और ये जो बाहर का ओपन साइड दिख रहा है इसका दीवार जब टाइल्स मिस्त्री आएगा तो वो लगाएगा और इसे पैक कर देगा। दोस्तों हम अपना दूसरा वीडियो दूसरे पार्ट में दिखलाएंगे, तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और दूसरे पार्ट में इस वीडियो के आगे के बारे में बतलाएंगे। दोस्तों ये जो हमने बोतल ट्रैप बनाया है, ये जो हमारा बोतल ट्रैप है CPVC का, हमने यहाँ पे फिट कर दिया है और हमने एक बार आपको बतलाया था कि हम जो ये दीवार में कट छोड़ रहे हैं वो कट किस वजह से छोड़ रहे हैं ये आपको साफ दिख रहा है दोस्तों। और ये हमारा जो बोतल ट्रैप का पोजीशन है वो साफ साफ दिख रहा है, हमने पीट ट्रैप में इसे मिला दिया है। दोस्तों ऐसे तो इसमें पीट ट्रैप में जो आउटलेट पॉइंट बनाया हुआ है पीट ट्रैप से उसमें जाली भी लगाया जाता है, लेकिन इसमें जाली ना भी लगाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार पूरा देख लें और देखें कि हमारा जो बाथटब है कितने अच्छे तरीके से रख दिया गया है। इसका साइड वॉल लगने के बाद यह और अच्छा लगेगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें दोस्तों, क्योंकि जब भी आप कोई कमेंट्स करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, तब तक के लिए धन्यवाद।